हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग साइंस का पढ़ेंगे, जिसमें आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ लेंगे भोजन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे भोजन। आप सभी को पता होगा खाना हम लोगों के लिए डेली लाइफ के लिए कितना जरूरी है। अब खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं ये आता कहाँ से है, मतलब इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, तो उस बारे में आज हम पहले बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फूड की, जिसमें हम पौधे से रिलेट करेंगे। देखिए फ्रेंड, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक जनरली ऐसा ही पौधा बना दिया है। चलिए अब हम इसमें क्या क्या देखेंगे, हमें जड़ से कौन सी सब्जी मिलती है, कौन मतलब जड़ का क्या काम रहता है, फिर तने का, पत्तियों का, फूल का, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फल, बीज और मतलब शाकाहारी मांसाहारी ये सब चीज़ें बताऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखी है, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज तो आपको बुक में मिल ही जाती है। मैं आपको यहाँ पे बस समझा रही हूँ, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं आता है कि हमें इन चीज़ों पर ऐसे कम्प्लीट करना है, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, तो मैंने चीज़ों को समझना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि ऐसा होता है कि अपने नोट्स, अपनी लिखी हुई चीज़ें जल्दी समझ में आती, अपनी भाषा में जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से लिख लीजिए, और चीज़ों को पॉइंट पॉइंट में लिखिए, एक पैराग्राफ में नहीं, जिसको बाद में अगर कभी आप कॉपी को पलटो देखो तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। अब एक बार आप जब अपनी भाषा में लिख लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, हमें चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। अब चलिए अब हम बात करते हैं जड़ की। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं जड़ जो है वो पौधे का सबसे निचला हिस्सा होता है, जो कि मिट्टी में दबा रहता है। जो इस पौधे में जो ये चीज है, ये क्या है, हमारी जड़ है, ये मिट्टी के नीचे का हिस्सा रहता है। ये पौधे का आप ये भी कह सकते हैं मेन पार्ट भी है। जनरली क्या होता होगा, हम लोग घर में भी पौधों को पानी देते हैं डेली, तो क्या होता है जब हम पौधे को पानी दिया मिट्टी में, आप लोग देखते होंगे अगर हम घर में पौधे लगाते हैं तो हमारी मम्मी लोग भी घर में कुछ ना कुछ डालती रहती हैं उसमें, जिससे कि उसको खाद वगैरह मिल सके, ये चीज़ें डालती रहती हैं। खेतों में तो बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ें डाली जाती हैं। तो क्या रहता है, जैसे ही हमने जड़ में पानी डाला, इससे क्या किया, खाद ली यहाँ से, फिर क्या होता है पत्तियों से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जब सनलाइट में, तो इससे क्या करता है, ये जो जड़ें होती हैं ये अपने अंदर चीज़ें स्टोर कर लेती हैं, अपने खाने को स्टोर कर लेती हैं। तो जो चीज़ें स्टोर कर लेती है वही उससे हमें कुछ चीज़ें खाने की मिलती है, जैसे मूली हो गई, गाजर हो गई। तो जड़ के हमारे एग्जाम्पल्स क्या होगा, मूली हो गई, गाजर हो गई, सलजम हो गई। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो जड़ से आती है। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि मूली, गाजर, ये चीज़ें जड़ में कैसे बनती हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं तने की। तना क्या होता है, पौधे का ये जो पार्ट होता है इसको हम तना कहते हैं। ये क्या करता है, जड़ को, पत्तियों को, फूलों को, फलों को आपस में जोड़ के रखता है। ये काम होता है तने का। तने पौधे को सीधा खड़ा करने में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल, मतलब कह सकते हैं एक भूमिका निभाता है। तो ये बात हो गई तने की। चलिए अब कुछ सब्जियां जो होती हैं वो हमें तने से भी मिलती हैं, कुछ तना भी कुछ स्टोर करके रखता है, उससे कुछ सब्जियां बनती हैं, जैसे हमारा हो गया आलू, प्याज, रतालू, आप लोगों ने खाया होगा रतालू, बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि लगता है कि आलू जमीन के नीचे होता है, तो हो सकता है कि आलू पौधे की जड़ हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आलू, प्याज ये पौधे के तने होते हैं। मेन चीज़ पहचानने वाली क्या होती है कि क्या चीज़ जड़ है, क्या चीज़ तना है। जड़ में आप देखें, अगर आप मूली देखते होंगे तो उसमें साइड साइड से ऐसे बनी रहती है ना, जैसे ऐसे मूली रहती है तो उसमें ऐसे ऐसे साइड साइड से निकला रहता है। तो जड़ का प्रकार भी देखिए इसी टाइप से होता है। तो ऐसी चीज़ें जिनमें ऐसे निकले रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जड़। तना, आलू आपने देखा होगा एकदम चिकना सा होता है, उसमें कोई ऐसे जड़ें नहीं निकली होती हैं। तो आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब चीज़ें
हमारी गले में आती है। अब हम बात करते हैं पत्तियों की। पत्तियां जो हैं वो पौधे का भोजन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब देखिए, अगर हम पत्तियों की बात करें तो ये पौधे का ये पार्ट हो गया पत्तियां। इसमें क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फ्रेंड्स अगर आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में नहीं पता है तो आप हमें एक बार कमेंट कर देना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो पौधे की पत्तियां होती हैं, इनसे क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और पौधे के लिए खाना बनाती है। पत्तियां बाष्पीकरण, जो जल का बाष्पीकरण होता है उसका भी काम करती है, मतलब जल को नष्ट करने का, खत्म करने का काम करती हैं। क्या होता है, जब हमने, जैसे ही हमने पानी डाला, ये जो पानी यहाँ जो मिला, ये तने के द्वारा ये जड़ से कहाँ पहुँचाता है, तना पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो इससे क्या होता है, जब पानी यहाँ से यहाँ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जब ये अपने लिए खाना बनाती है, तो वो पानी क्या होता है, उड़ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ये पानी को बाष्पीकृत भी करती है। पत्तियों की सब्जियां कौन सी होती हैं, पालक हो गई, मेथी हो गई, ये सब चीजें होती हैं पत्तियां, पत्तियों से जो हमें सब्जियां मिलती हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं फूल। फूल क्या होता है, जो पौधे के जननांग होते हैं उनको हम फूल कहते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए ये पॉइंट्स कर करके दो चीजें लिखी हैं, जिससे कि आप अपने नोट्स ऐसे ही बनाइए, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपने उसको अपनी भाषा में जैसे आप चाहें वैसे कॉपी पे लिख लें, तो हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे और आप बहुत अच्छा पेपर भी करके आओगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। अब चलिए फूल की बात हमने कर ली। अब क्या होता है, मकरंद उत्पन्न करता है, जो हमारे फूल होते हैं वो मकरंद करते हैं उत्पन्न। देखा होगा मधुमक्खियाँ जो शहद बनाती हैं, वो जो शहद होता है वो मकरंद के ही उससे बनाती हैं, मकरंद को इकट्ठा कर करके मधुमक्खी शहद बनाती हैं। ठीक है, तो फूलों से हमें कौन सी सब्जी मिलती है, फूलों से हमें फूल गोभी और ऐसी सब्जियां हमें फूलों से मिलती हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट 1 था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 दूंगी, जिसमें मैं आपको बीज और उसके प्रकार और इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स तक ये बात पहुंच जाए। आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, फेसबुक पे अपनी टाइमलाइन पे शेयर कीजिए। आप सभी लोग व्हाट्सएप पे होंगे, सभी लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।